एक यंग कॉर्पोरेटर ने ऐसा काम करके दिखाया है, और खाली उन्होंने नहीं, पूरी गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब इसमें कोई करप्शन नहीं थी, जब इसमें कोई चापलूसी नहीं थी, तब जाके आज हमारा डल लेक बन चुका है। तो हम बहुत शुक्रगुजार है जी गवर्नमेंट की, और आपकी प्रियंशु शाह की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसी कदम उठाए कि डल लेक को फील भी रहेगी। लोकल से या टूरिस्ट से जो भी आते हैं, डोंट थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन लगे है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन इन माय लाइफ। बाकी तो हर एक डिपार्टमेंट आता था तो इतनी सफाई नहीं होती थी जितनी आज। मतलब एलजी मनोज सिन्हा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने डल लेक कितनी। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसफा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर का जो दिल है वो है डल लेक जी। नाज़रीन मोहतरम, अगर यही पोल्यूटेड रहेगा तो हमारे जो विजिटर्स हैं वो नहीं आए, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आज की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करके दिखाया है जो आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं कर पाया है जी। नाज़रीन मोहतरम, मैं बात कर रही हूँ डल लेक की। डल लेक आज जो पोल्यूटेड हुआ करता था, जो गंदा हुआ करता था, आज वही डल लेक इतना क्लीन देख के हम भी शॉक रह गए, इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते थे। आज पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि और भी बहुत खूबसूरत जैसा पहले हुआ करता था। पहले से काफी इसमें प्रोग्रेस है और भी बहुत है। इससे पहले अगर बात करें मशीनरीज की, इससे पहले अगर हम बात करें मैन पावर की, वही मैन पावर हुआ करता था जो आज था, वही मशीनरीज हुआ करती थी जो आज थी। सोचना भी छोड़ दिया था कि क्या कभी हमारा डल लेक साफ होगा, लेकिन आज की गवर्नमेंट ने, आज की हुकूमत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो आज तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, डल लेक इतना क्लीन, इतना साफ डल लेक आज तक आपने नहीं देखा होगा, जो कि आज आपको हम दिखा रहे हैं कशिदासा न्यूज नेटवर्क पे। ये जो मिरेकल हुआ है, इस मिरेकल के पीछे किसका हाथ है, आज हम बात करेंगे उनकी, जनाब आकिब रेंजू साहब, जो कि यहाँ निशाद के कॉरपोरेटर हैं। एक यंग कॉरपोरेटर ने ऐसा काम करके दिखाया है, और खाली उन्होंने नहीं, पूरी गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया है। जब कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब इसमें कोई करप्शन नहीं थी, जब इसमें कोई चापलूसी नहीं थी, तब जाके आज हमारा डल लेक बन चुका है, जो कि हर कोई विजिटर आप विजिट करना चाहेगा। और अगर यहाँ के विजिटर्स की बात करें, बहुत ही खुश है, इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डल लेक आज से पहले, जो दूसरी तीसरी बार विजिट कर रहा है वो कह रहा है कि आज तक हमने ऐसा डल लेक कभी देखा ही नहीं था जो आज डल लेक हमें देखने को मिल रहा है। इतना क्लीन डल लेक पहली बार, हमारी अगर जनरेशन की बात करें, हमारी जनरेशन को इतना क्लीन डल लेक आज पहली बार देखने को मिल रहा है। इस वक्त कॉल करने जा रहे हैं जनाब आकिब रेंजू साहब को, जिनसे हम पूछेंगे, जिनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये जो मैजिक है ये कैसे हुआ है। जुड़ चुके हैं आकिब रेंजू शाह, जो कि कॉरपोरेटर है शाद साइड के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त। तो आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा चमत्कार आज पहली बार हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इस वक्त इस बात पे आप रोशनी डालिए। देखिए, जो आप डल के बारे में बात बोल रहे हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है, दिस इज रियलिटी बेसिकली। एंड रियलिटी क्या है, इसमें ईमानदारी है। बिकॉज अगर हम 30 साल से बात करें, करोड़ों रुपए डल के लिए आए, डल के बचाव के लिए आए जी, बट अनफॉर्चुनेटली उससे, उस पैसे से डल भी पूरा हुआ होता कि जितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए। बट ऐसे लोग थे, ऐसी गवर्नमेंट थी, वो पैसे अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, जो भी रेजिम थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, जो भी, जिस रेजिम गया, डल को पोलिटिसाइज किया, डल को एक पिगी बैंक बनाया गया, जो भी डल का पैसा आया था। देखो, ये कोई सियासत नहीं है, ये कोई तनकीद नहीं है, बट ये एक फैक्ट है जी। अगर डल साफ हुआ पिछले 3-4 सालों में ही क्यों हुआ, तब से पहले क्यों नहीं होता था जी। बिल्कुल, तब भी मशीनरी थी, तब भी मैन एंड मशीनरी सेम थे, कोई एडिशनलिटी उसमें नहीं हुई है। बट एक ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी हुई है, जो एक वाइजिया है, जो एक विटनेस अगर कोई भी आएगा आज, अगर आप 5-6 साल पहले या 4 साल पहले डल की हालात देखे और आज के मुकाबले में, दैट इज टोटली डिफरेंट, डिफरेंट चेंज इन दैट। एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में, इवन नॉट ओनली द क्लीननेस, डल की जो अट्रैक्शन है उनको भी बढ़ाया गया, जैसे स्मार्ट सिटी में और भी जरूरत है डल के लिए काम करने की। बिकॉज अगर हम शहर श्रीनगर का दिल समझे, दैट इज डल लेक। तो अगर we are wholly and solely dependent on tourism, so basically I'm talking about the Srinagar city. So to safeguard that economical part, मुझे लगता है we should
protect our Dal and the lake which is the jewel of Kashmir. So हमारा अवलीन फर्ज बनता है. मेरी अपील भी रहेगी लोकल से या टूरिस्ट से जो भी आते हैं, डोंट थ्रो गार्बेज इन अ डल. डस्टबिन लगे हैं जगह जगह पे, डस्टबिन लगे हैं, अब डल को एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड मुझे लगता है हमारे नौजवानों का भी फर्ज बनता है, वो आगे आए, अवेयरनेस में या जो भी क्लीनेंस कैंपेन होती है उसमें पार्टिसिपेट करें. जी आकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया. आज पहली बार हमारा डल इतना क्लीन देखने को मिल रहा है. यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने जो ये कदम, जो इनिशिएटिव लिया है, दैट्स क्वाइट अप्रिशिएबल. थैंक यू सो मच आकिब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए. आकिब रेंजू साहब जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने आपको बताया कि जहां पे करप्शन नहीं होगी, जहां पे ईमानदारी से काम होगा, वहां पे रिजल्ट्स आपके सामने जो आज मौजूद है वही रिजल्ट्स होंगे. गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया, ऐसा स्टेप लिया जिसके हम यंगस्टर, जिसके हम कश्मीरी, जिसके हम श्रीनगर वाले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. आप देखते रहे कौशल दास्तान न्यूज नेटवर्क. अस्सलाम वालेकुम.